हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द लेडीज। और ये मेरी मेहंदी, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी और वीडियो भी डाल दूंगी मेहंदी का। और मैं फटाफट से नहाने जा रही हूँ, नहा के रेडी होती हूँ, उसके बाद हम अपनी पूजा करेंगे। क्योंकि जो करवा चौथ की कथा होती है ना, उसको पढ़ने के बाद ही हमारे यहाँ चाय पानी कुछ भी लेते हैं। तो मैं पहले तैयार हो जाती हूँ, फिर पूजा करेंगे, कथा पढ़ेंगे, उसके बाद ही कुछ चाय वगैरह लूँगी। तो चलो जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पे अभी अभी जस्ट मुझे रिसीव हुआ है मिंत्रा से, पीके जी का कुर्ता पजामा मैंने मंगवाया था दिवाली के लिए, तो बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। और ये रिसीव हुआ है जस्ट अभी अभी मुझे, ये कुर्ता है इसके साथ वाइट है पजामी, और काफ़ी अच्छा निकला ये। बाकी तो पीके जी पर पहन के फिटिंग वगैरह देख लेंगे, बट बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा था फोटो में उसी टाइप का है। बाकी जब पहनेंगे तो आपको दिखाऊंगी। तो मैं शावर लेके आ गई हूँ और विराज भी उठ गया। हेलो विराज, गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। अभी थोड़ा मूड नहीं है उसका, जस्ट उठा है। और मैंने अभी फिलहाल सूट पहना है, मैं शाम को साड़ी पहनूंगी। और ये ग्रीनिश पिस्ता कलर और पिंकिश के शेड में है, और सेम ही कॉम्बिनेशन में मेरी साड़ी भी है। तो आपने देखा होगा मैंने पिंक नेल पेंट पहले से लगाई हुई थी। और मैं रेडी हो गई हूँ, इसमें मैंने ब्रेसलेट डाला है, इसमें मैंने चूड़ियाँ डाली हैं कड़ों के साथ, थोड़ी बिंदी लिपस्टिक और ये सब किया है। बाल अभी गीले हैं तो ऐसे ही है ओपन। अभी मैं पूरा लुक आपको दिखा दूंगी। तो बस अभी जस्ट रेडी हुई हूँ, पीछे वॉश हुए हुए कपड़े पड़े हैं, उसको अवॉइड करना। और अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने, पूजा करती हूँ, उसके बाद ही कुछ चाय पानी बनाऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। तो शाम को तो मैं साड़ी पहनूंगी, लेकिन अभी मैं पूजा में कथा में जब बैठूंगी तो वो कपड़ा लेके हमारे यहाँ बैठना होता है जो आप शाम को पूजा में पहन रहे हो, या फिर आप ऑल टुगेदर वही कपड़े पहन के बैठो। तो मैं साड़ी तो पहन के नहीं बैठ रही हूँ, लेकिन ये मेरी चुन्नी है शादी की, जो मैंने शादी में लहंगा पहना था उसका दुपट्टा है ये। तो इसको मैं लूंगी शाम को साड़ी के साथ। तो अभी फिलहाल मैं इस दुपट्टे को लेके बैठूंगी पूजा में, और यही मैं शाम को भी लेके बैठूंगी। तो वो कपड़ा जरूर होना चाहिए आपके साथ पूजा में, जो आप शाम को जब आप जल दें या जब आप पूजा करें तो वही आपको कपड़ा दोबारा पहनना होता है। तो यस, अभी सूट पहना है इसलिए चुन्नी लेके बैठ रही हूँ। तो चलो करते हैं पूजा। और ये है मेरी थाली और छलनी, जो मैं हर साल लेती हूँ, मैं चेंज नहीं करती हूँ। ये मेरी पहली करवा चौथ की थाली और छलनी है जो मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, तो यही मैं हर साल लेती हूँ। यहाँ पर हैं चावल जो मैं पूजा में लेके बैठूंगी, और शाम को जब जल चढ़ाऊंगी तो इनको प्रोवाइड कर दूंगी। और इसमें मैं ले आई हूँ जल, ये है मेरा करवा। और जो लोग सोच रहे होंगे कि मैं चाय क्यों पी रही हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग से ऐसे ही फास्ट रखे, निर्जल वाले नहीं रखे, ये सोच के कि लाइफ लॉन्ग कि भाई आगे चल के खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत हो, बीमारी हो, दवाई खाए तो फिर वो परंपरा टूटे निर्जल वाली, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही चाय पानी वाले फास्ट ही रखे हैं। तो मैं चाय पानी ले लेती हूँ बट कथा पढ़ने के बाद, और वो मैंने पढ़ ली। तुम्हें भी रखना चाहिए था आज फास्ट। रखा मैंने कहाँ रखा है, तुमने तो ये ब्रेड खा ली। गजब बेइज्जती है, बोलने का फास्ट रखा हुआ है। ओहो चलो, तुमने माना तो तुम ज्यादा बोलते हो। मैं लग कैसी रही हूँ तुमने ये नहीं बताया। बीवी जैसी। विराज मम्मी कैसी लग रही है? पीके जी गए हैं कुछ सामान लेने बाहर, और विराज अपना टीवी देख रहा है, और मैं इन दोनों के लिए लंच की तैयारी कर रही हूँ। आज वंदना भी छुट्टी पे है, उसका भी त्यौहार है, तो बस इन लोगों के लिए थोड़ा सा दाल चावल बना रही हूँ, सब्जी रखी है, रोटी मैं बना दूंगी तभी,
और मेरा तो फास्ट है तो इन दोनों के लिए बना रही हूँ। पीके जी आ जाएंगे फिर ये दोनों इकट्ठे खा लेंगे और शाम को हमारा प्लान है बाहर डिनर करने का। तो जब चांद निकल जाएगा जल दे के पूजा करके उसके बाद हम जाएंगे बाहर डिनर करने। तो शाम को मैं रेडी होंगी, साड़ी पहनूंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। आप बताना आपको मेरी वो साड़ी कैसी लगी। तो चलो मैं जल्दी से लंच की तैयारी कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने चेंज वेंज कर लिया, थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ और लंच करके पीके जी और विराज दोनों सो चुके हैं। इस टाइम 4:30 हो रहा है, मतलब हो गया उन्हें टाइम सोए हुए। मैं इधर बैठी थी, थोड़ा एडिटिंग का काम कर रही थी लैपटॉप पे। पीके जी का जो मैंने आपको दिखाया था ना, मिंत्रा से मैंने कुर्ता मंगाया था उनका दिवाली के लिए, तो वो उन्होंने ट्राई किया। वैसे तो फिटिंग वगैरह तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उस कपड़े में ना अंदर की तरफ अस्तर नहीं है, वो अंदर से उनको काट रहा है, तो इसलिए वो तो रिटर्न के लिए डाल दिया है मैंने। लेकिन अभी अभी विराज का भी आ गया है, विराज के लिए भी मैंने इस बार कुर्ता पजामा मंगाया है दिवाली के लिए, तो उसका रिसीव हो गया। वो मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये फर्स्ट क्राई से मैंने मंगाया है इसका, ये कुर्ता है ब्लू कलर का और ये थोड़ा सा इसमें ये शाइनिंग वाला लाइन्स है इस तरीके से। वैसे तो कॉटन है तो उसको चुभेगा नहीं, सॉफ्ट रहेगा उसके लिए। और ये पूरी स्लीव्स का है, ये मैंने उसका ऑर्डर किया है 4 to 5 years वाला, क्योंकि अब वो 4 years का हो जाएगा कुछ महीनों में, तो मैंने 4 to 5 years ही ऑर्डर किया। 3 to 4 वाले में वो बिल्कुल उसको फिटिंग का आता और फिर वो मतलब बस 2-4 बार ही पहन पाता, तो ये मैंने 4 to 5 years का किया है उसको। तो बस यही मंगाया विराज के लिए और पीके जी का जो है वो मैंने रिटर्न पे डाल दिया और उनके लिए कोई दूसरा ऑर्डर करूँगी। वो बोल रहे हैं कॉटन में ही कुछ ऑर्डर कर देना ताकि कम्फर्टेबल रहे पहनने में, तो एक उनका ऑर्डर करना है। बाकी मेरा तो सूट मैंने सिलने के लिए डाला हुआ है, एक आपको दिखाया भी था मैंने, मैं मेरठ से लाई थी जो एक पिंक और येलो कॉम्बिनेशन में था ना, तो वो मैंने सिलने के लिए डाला हुआ है। मैं सोच रही हूँ उसी को पहनूंगी, क्योंकि ये जो पिस्ता कलर वाला सूट था ये मैंने आज दिन में पहन लिया। पहले सोच रही थी इसको दिवाली पे पहनूंगी, बट ये मैंने आज ही पहन लिया, तो वो जो पिंक और येलो वाला सिल रहा है मेरा, तो मैं वो सूट लेकर के आऊंगी। वो मेरा सिल चुका है, मैं लास्ट जब गई थी तो देकर आ गई थी, अब जब जाऊंगी तो ले आऊंगी। मैंने कुछ purple.com से मेकअप प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, NYBA ब्रांड के हैं सारे ही, तो वो आप देख लो, क्योंकि आज शाम को जब मैं रेडी होंगी साड़ी वाड़ी पहन के, जो मेकअप मैं करूँगी वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करके करूँगी। तो पहले आप वो प्रोडक्ट्स देख लो, फिर जब हम मेकअप करेंगे तो मैं आपको बता दूँगी। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके ऑफर के बारे में बताऊँगी। तो मैंने मंगाया है NYBA का एक ही मेकअप ब्रश सेट, तो इसमें 5 ब्रशेज मुझे मिलते हैं, फैन ब्रश और ये कुछ लाइन। सेकेंड प्रोडक्ट है मेरा लिक्विड फाउंडेशन, ये भी NYBA का है, सारे प्रोडक्ट NYBA के ही हैं, ड्यूई ड्रॉप्स लिक्विड फाउंडेशन। थर्ड प्रोडक्ट है मेरा NYBA का कॉम्पैक्ट पाउडर रनवे रेडियंस और ये इसका नंबर है 2। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा NYBA का मस्कारा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिक्विड आई लाइनर ट्रूली मैट। नेक्स्ट इज स्ट्रोब क्रीम, तो ये मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की मुझे सबसे ज्यादा वेट थी और मैं ये फर्स्ट टाइम यूज करूंगी, प्रो स्ट्रोब क्रीम। इस क्रीम को लगाने से क्या होता है, आपको एकदम बहुत ही बढ़िया ग्लो मिल जाता है चेहरे पे। जैसे आप कोई क्रीम को लिक्विड फाउंडेशन में मिक्स करके लगाते हैं तो आपको एक बेस मिल जाता है स्किन पे, बट जो ग्लो मिलता है वो हाइलाइटर और बहुत सारी चीज़ें आप लगाते हो उसके बाद मिलता है, लेकिन दिस प्रो स्ट्रोक क्रीम इज़ कम्प्लीट इन इटसेल्फ। अगर आप इसको लगाएंगे तो आपको एक बहुत अच्छा ग्लो मिलेगा, जैसे सेलिब्रिटीज़ के चेहरे पर आप लोग देखते हैं। तो बिना मेकअप किए, आप कुछ भी मेकअप ना करें, इस क्रीम को लगा लें, या फिर आप इसको फाउंडेशन के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हैं, इनकेस आपको थोड़ा सा फाउंडेशन चाहिए, एक्ने प्रोन स्किन है या कुछ निशान है चेहरे पे तो आपको फाउंडेशन लगाना ही पड़ेगा, तो ग्लो के लिए आप इसको फाउंडेशन में मिक्स करके लगा लें। बट अगर आपकी क्लियर स्किन है तो आप इसको लगाएं, आपको बहुत अच्छा ग्लो मिलेगा। तो मैं भी इसको फर्स्ट टाइम यूज करूंगी, बट इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, बहुत रिसर्च करने के बाद ही मैंने इसको मंगाया है, इसीलिए मैंने ये छोटा मंगाया है। फर्स्ट आई विल ट्राई और उसके बाद मैं फिर रेकमेंड करूंगी आगे के लिए यूज करना चाहिए या नहीं, बट एज पर रिव्यूज दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने पे मुझे ये फ्री मिला है। तो ये पिंक कलर के इयररिंग्स हैं, ये मुझे फ्री में मिले हैं मेरे प्रोडक्ट्स के साथ। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ डील के बारे में। तो ये है मेरे सारे प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ये 6 प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किए थे, ये मुझे फ्री मिला है और इन 6 में से मैंने 3 के ही पैसे दिए हैं, क्योंकि NYBA पे डील चल रही है बाय 1 गेट 1।
तो बाय वन गेट वन की डील को आप भी जल्दी से ग्रैब कर लीजिए, बहुत ही अमेजिंग डील है। और एनवाई बे एक बहुत अच्छा ब्रांड है, ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा वैसा ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है। मैंने इसके प्रोडक्ट्स पहले यूज किए हुए हैं, इट इज वेरी गुड ब्रांड। और मैंने इसका कॉम्पैक्ट मंगाया है, लाइनर मंगाया है, मस्कारा मंगाया है, स्ट्रोब क्रीम मंगाई है, फाउंडेशन मंगाया है एंड मेकअप ब्रश सेट मंगाया है। तो सारे डेली यूज में तो नहीं, बट यस सारे बहुत काम के प्रोडक्ट्स हैं और बाय वन गेट वन डील है, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी। तो यहाँ पे मैंने तीन प्रोडक्ट्स का प्राइस पे किया है, बाकी तीन मुझे फ्री मिले हैं और साथ में ये भी फ्री मिला है। तो जल्दी से आप इस डील को ग्रैब कर लो, बहुत अच्छी डील चल रही है purple.com पे। तो अब मैं मेकअप करने जा रही हूँ और मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का ये पोर स्ट्रोक क्रीम। Finally, the evening has arrived. अब बहुत ही जोरों शोरों से चांद का इंतजार है। तो हम लोग आए हैं बाहर डिनर करने और इतनी ज़्यादा भीड़ है हर जगह। मैं आपको दिखाती हूँ हमारी गाड़ी की जगह हमें कैसी मिली है। तो ये खड़ी है गाड़ी ऐसे रैम पे टेढ़ी करके, इतनी टेढ़ी खड़ी है। बहुत ज़्यादा रश है, कहीं भी जगह नहीं है। तो फाइनली अब जगह मिली है गाड़ी खड़ी करने की यहाँ पर।